बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान, नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूं। नजीम सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी ख़त्म हुई है, उनसे कुछ सवालात हुए मिकी आर्थर के हवाले से और दीगर हवालों से, तो सवालात के जवाब आप सुनिए, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। खबर आप क्या चाहते हैं? तो सुन वही होती है जो हेडलाइन बने। मिकी आर्थर का खबर, मिकी आर्थर जान नहीं छोड़ रहा है यार। आप क्यों नहीं फोन करके मिकी को पूछ रहे हैं क्या हो रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और आज मैं अरुण से डिस्कस करूंगा और मेरा ख्याल है आज मिकी से भी बात करेंगे। अगले एक दो दिन के अंदर 80-90% अग्रीमेंट हो चुकी है और कि कौन कौन आएगा उसके साथ और क्या होगा, और फिर मेरी यही कोशिश होगी जैसे ही होता है ऑर्डर तो मैं उसको बुला लूँगा, वो आके बैठा हमारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हैं क्या एग्जैक्टली आपकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, कैसे होगा, एंड देन वील आस्क हिम टू टॉक टू यू गाइस एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो मिकी आर्थर वाला जो इशू है, मेरा अपना ख्याल है कि 10-15 दिन में वील रैप इट अप। तो ये थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब, उनकी बात आपने सुनी। आप इस पर राय जो भी बनाएं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देखते रहिए फ्रेंड, सब्सक्राइब भी कीजिए। खुदा हाफिज़।